What's up guys, this is me Sachin Singh Chauhan. And guys, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ऐसी मिस्टेक्स के बारे में होने वाला है जो जिम में होती होती है. तो मैं आज आपसे ऐसी पांच मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो हम जिम में करते ही करते हैं, और कहीं ना कहीं वो मिस्टेक आप भी आपके वर्कआउट रूटीन में करते ही होंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें. इन पांच मिस्टेक में से कोई भी मिस्टेक ऐसी हो सकती है जो आप भी आपके वर्कआउट रूटीन में कर रहे होंगे. तो पहले नंबर की जो मिस्टेक्स है वो है हाफ रेंज ऑफ मोशन या इगो लिफ्टिंग. जी हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या आप एडवांस लेवल पे भी हैं, आपको एक या दो साल होकर वर्कआउट करते हुए भी, तो क्या होता है इगो लिफ्टिंग की वजह से या हमको हेवी वेट उठाना उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम इगो लिफ्टिंग के चक्कर में हाफ रेंज ऑफ मोशन लगाते हैं या बहुत ज्यादा हैंड उठ के लगाते हैं. किस तरह से, तो हम क्या करते हैं इगो लिफ्टिंग करने लग जाते हैं या फिर हम हाफ रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट को परफॉर्म करने लग जाते हैं, एक्सरसाइज को परफॉर्म करने लगते हैं, जिससे आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो रिलेट नहीं हो पाता है और फुल रेंज ऑफ मोशन से आपके मसल्स को ट्रेन नहीं कर पाते हो, जिससे क्या होता है कि जो रिजल्ट आपको आने चाहिए वो आते नहीं है. तो मसल बिल्डिंग के लिए या जनरल फिटनेस के लिए, मसल की हाइपरट्रॉफी के लिए जो मेन रेप रेंज होती है वो होती है आपकी 8 to 12 या 10 to 15. इस पे आपको रहना है. आप ये नहीं कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल पे हो तो हर हफ्ते आप 2 रिपीटेशन, 3 रिपीटेशन या 5 रिपीटेशन या 1 रिपीटेशन इतने हेवी वेट पे आपकी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप हाइपरट्रॉफी के लिए भी जा रहे हो तो हर हफ्ते आप हेवी ट्रेन कर रहे हो और हेवी उठाने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, हाफ रेंज ऑफ मोशन कर रहे हो या इनकरेक्ट फॉर्म से वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हो. तो ये आपकी पहली गलती है इगो लिफ्टिंग या हाफ रेंज ऑफ मोशन, तो आप इसको सुधारें. हमारी जो दूसरी गलती है जिम में जो हम करते हैं और आप उससे रिलेट करोगे वो होती है कि हम जिम में घंटों मेहनत करते हैं. हम 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, हम 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं. तो इस तरह से आपको नहीं करना है, क्योंकि लोगों का उसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर मेरे को बॉडी बनानी है या मेरे को मसल बिल्ड करना है तो मैं घंटों मेहनत करूंगा. दूसरी चीज, अगर कोई फैट लॉस के लिए आ रहा है तो उसका यह मतलब होता है कि मैं घंटों ट्रेनिंग करूंगा, मैं बहुत ज्यादा पसीना पाऊंगा जिम में तो मेरा फैट लॉस जल्दी हो जाएगा, या मैं घंटों क्रंचेस लगाऊंगा, या मैं कार्डियो की एक्सरसाइज कर रहा हूँ बहुत सारी, या फिर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ. तो उससे क्या होगा कि मैं अगर ज्यादा टाइम तक वर्कआउट कर रहा हूँ, ज्यादा पसीना बहा रहा हूँ तो मैं जल्दी पतला हो जाऊंगा. तो इस तरह से नहीं होता है. आपको जो एक तरीका होता है वर्कआउट करने का कि आप आओगे, अच्छे से मील लेके आओगे, आप वार्म अप करोगे, फिर उसके लिए अगर आप सिंगल मसल लगा रहे हो तो आधा घंटा या 45 मिनट काफी होता है आपके वर्कआउट के लिए वार्म अप करने के. बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप आधा घंटा 45 मिनट देते हो आपके वर्कआउट सेशन को, चाहे वो कार्डियो सेशन हो या वो वेट ट्रेनिंग वाला सेशन हो, तो वो इनफ है आपके वर्कआउट के लिए या आपके फैट लॉस के लिए या आपके मसल बिल्डिंग के लिए. आपको ये नहीं कि 2-3 घंटे वर्कआउट करना है. और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जिम में कि मैं सुबह भी वर्कआउट करूंगा और मैं शाम को भी करूंगा, जिससे मैं जल्दी पतला हो जाऊंगा या जल्दी से मेरा मसल बिल्ड हो जाएगा. तो इस तरह से नहीं होता है. ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको जीना होता है. आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में बॉडी बना लूँ या एक हफ्ते में बना लूँ, तो वो बहुत पॉसिबल नहीं है मेरे भाइयों. ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक लंबा प्रोसेस है. आपको कम से कम 3 महीने 6 महीने, और अगर आप मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हो या बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो सालों लग जाते हैं. कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी मसल, अच्छी मसल वाला बंदा या अच्छी मसल बिल्डिंग वाला बंदा एकदम से तैयार नहीं होता है. उसने उस चीज में सालों दिए हुए होते हैं, तो वो उस तरह से आपको सामने दिखता है. सो इस तरह से अगर आप गलती कर रहे हो तो नहीं करें. अब बात करते हैं हम हमारी तीसरी मिस्टेक्स के बारे में कि हमारी जिम में जो कॉमन मिस्टेक होती है, बेसिक मिस्टेक होती है तीसरी वाली, थर्ड नंबर की, वो कौन सी है. तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, आप जिम में आते ही हैवी वेट लिफ्ट करने लग जाते हो. जी हाँ, आप आओगे जिम में, वार्म अप भी नहीं करोगे और आप हैवी लगाने लग जाओगे, चाहे वो चेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो लेग्स से रिलेटेड हो, चाहे शोल्डर से रिलेटेड हो, बैक से रिलेटेड हो, बाइसेप्स से रिलेटेड हो, ट्राइसेप्स से रिलेटेड हो, या फिर अगर कार्डियो का भी मैं बात करूँ तो आते ही आप क्या करते हो, आप हाई पेस पर रनिंग करने लग जाते हो. तो मेरे भाई को आपको यह समझने की जरूरत है कि सबसे पहले जब आप जिम में एंटर करते हो तो आपको अच्छे से वार्म अप कर लेना है. पूरी बॉडी को आप अच्छे से वार्म अप करें. वार्म अप करने के बाद में जिस भी एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करने वाले हो, जिस भी मसल्स के लिए, जिस भी मसल्स को आप परफॉर्म करने वाले हो, उससे रिलेटेड लो वेट पे कुछ रिपीटेशन लगा के अलग अलग
एक्सरसाइज से दो या तीन आप एक्सरसाइज ले लें, कोई भी जिस पर्सन के लिए आप परफॉर्म करने वाले हो या ट्रेनिंग करने वाले हो, और उससे रिलेटेड वार्म अप करने के बाद में उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, दो तीन सेट्स लगा लें, पांच पांच दस दस रिपीटेशन की, जिससे क्या होगा जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हो वहां पे ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगेगा, वहां पे जो आपके जॉइंट्स है वो खुल जाएंगे, और उसके बाद में फिर आपको नॉर्मल सेट लगाना है, फिर उसके बाद में फिर एक और नॉर्मल सेट लगाना है, देन आपको फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप आओगे और हैवी वेट लगाने लग जाओगे। और जब लोगों से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते हैं कि हमसे बाद में वेट लिफ्ट नहीं होता है, इसलिए हम आते ही हैवी लगाने लग जाते हैं। मेरे भाइयों ये गलत चीजें हैं, ये समझो, अपनी चीजों को सुधारो जिम में जो आप मिस्टेक कर रहे हो, और हैवी वेट आते अगर आप लगाओगे तो इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और हो सकता है कि उसी टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत बड़ी और बहुत मेजर इंजरी हो जाए। सो गाइस, हमारी जो फोर्थ नंबर वाली मिस्टेक है जो जिम में करते हैं, उससे जो मैं बताने वाला हूँ उससे रिलेट वो लोग करेंगे जो फाइटर्स के लिए जिम में आते हैं और अपना पूरा फोकस करते हैं टाइप पे कार्डियो, और कार्डियो में मेन फोकस उनका रहता है ट्रेडमिल के। मैं ट्रेडमिल पे एक घंटा बिता लूँ, हाई पेस पे कर लूँ, लो पेस पे कर लूँ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, उसको हिल अप कर दूँ, इस तरह से आप मिस्टेक करते हो, और ये इस चीज से रिलेट जो मैं बता रहा हूँ फोर्थ नंबर मिस्टेक से रिलेट वो लोग करेंगे जो फैटलॉस के लिए जिम में जाते हैं और उनका मेन फोकस होता है कार्डियो पे। ये मैं कार्डियो लगाऊंगा, क्रंचेस करूंगा, कार्डियो लगाऊंगा, क्रंचेस करूंगा, डेली यही करते हैं, और हो सकता है कोई कोई बंदा ऐसा भी हो जो सुबह शाम भी ऐसा करता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या होता है जब अगर आप केवल कार्डियो और एप्स पर फोकस करोगे, मैं कार्डियो और एप्स लगाऊंगा और मैं पतला हो जाऊंगा या मेरा वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कार्डियो करने से क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाएगा तो बॉडी से जब हम कैलोरी बर्न करते हैं वो प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, और आपका मसल लॉस होता है। जब मसल लॉस होगा तो आपकी बॉडी अच्छे से फैट लॉस नहीं कर पाएगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप कार्डियो सेशन आपको करना है करें, अच्छा है वो भी, लेकिन आप क्या करें, फोकस आपका वेट ट्रेनिंग पे भी करें। वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, हमारे मसल्स में ब्रेकडाउन होता है, और जब मसल में ब्रेकडाउन होगा तो उसमें क्या होता है, मसल में ब्रेकडाउन हो मसल वहां से टूट जाता है, और जब हम अच्छा न्यूट्रिशन उसमें डालते हैं, एक अच्छा डाइट प्लान लेते हैं और उसको रेस्ट देते हैं, तो हमारा मसल क्या होता है, उसकी रिकवरी की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज्यादा उसको कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है जल्दी आप पतले होंगे क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज खर्च करेगी। तो आप ऐसा करें कि आप कार्डियो भी करें और वेट ट्रेनिंग भी करें, और एक अच्छा मील प्लान लें, एक डाइट प्लान लें, और उस पर फोकस करें, जिससे आप जल्दी से क्या कर पाओगे, जल्दी से मेरा मतलब है कि एक रेगुलर वे में क्या होगा, आप कंटिन्यूसली कैलोरीज बर्न कर पाओगे और फैट लॉस कर पाओगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप बिल्कुल कार्डियो पे फोकस करें और आते ही हाई पेस पे रनिंग करने लग जाएं और डेली आप क्रंचेस लगाएं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये उन लोगों के लिए मिस्टेक थी जो कार्डियो और एप्स पे फोकस करते हैं अपने फैट लॉस के लिए। अब मैं बात करूंगा फाइव नंबर की, कि फाइव नंबर पे हम कौन सी मिस्टेक करती है जो सभी करते हैं, सभी जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जो बिगनर्स हैं या जो एडवांस लेवल पे हैं, केवल वो लोग नहीं करते हैं जो जो मसल बिल्डिंग करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से जिम में आते हैं, या जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट करता है और वो किसी अंडर गाइडेंस ट्रेनिंग ले रहा होता है तो उसको सारी चीज़ें पता होता है, तो वो ये मिस्टेक नहीं करता है। लेकिन 95% लोग जो जिम जाते हैं वो ये मिस्टेक्स करते ही करते हैं। वो है हमारे प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट बिल्कुल लेके। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ प्री वर्कआउट मिलकर, आप क्या करते हो, आप कुछ भी खाते खाते जिम में आते हो, आप सपोज आप बनाना खाते खाते जिम में आ गए या आप एप्पल खाते खाते जिम में आ गए, आपको पता ही नहीं कि आपको प्री वर्कआउट मिल क्या लेना है। और प्री वर्कआउट मिल से भी रिलेटेड मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है आप बनाना खाते खाते जिम आ रहे हो या आप एप्पल खाते खाते जिम में आ रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम 45 मिनट्स पहले कुछ भी खा के आना है, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो आप चीज़ें खा रहे हो, आप खा के डायरेक्ट जिम में आ रहे हो फिर आप वर्कआउट करोगे, तो आपकी जो आपने खाया है, बनाना खाया है, एप्पल खाया है, पनीर खाया है, या दूध पिया है, या अंडे खाए, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहे, जिससे आप अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे जिम में, आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आप ऐसे बिल्कुल भी ना करें, जब भी आप वर्कआउट करने जाएं, आप जो भी खा रहे हो, जो भी चीज़ें खा रहे हो, तो कम से कम 45 मिनट पहले उसको खा के आएं, तो आप अच्छे से यहाँ पे जिम में परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें डाइजेस्ट हो पाएगी। तो पहली चीज़ तो आपकी प्री वर्कआउट रिलेटेड ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हम पोस्ट वर्कआउट में भी क्या गलती करते हैं,
हमारा जैसे वर्कआउट कंप्लीट होता है, अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हम जस्ट प्रोटीन ले लेंगे, या फिर हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ हम जल्दी से जाके बनाना खा लेंगे, या फिर हम पनीर खा लेंगे, या हम अंडे खा लेंगे, या हम चिकन खा लेंगे। तो मेरे भाइयों, आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में आने में भी कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट लगते हैं। आपकी बॉडी जब आप वर्कआउट करते हो तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, आप उसको नॉर्मल आने दें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जैसे आपका वर्कआउट कंप्लीट हुआ और अब जो भी आपके प्रोटीन से रिलेटेड चीजें हैं या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीजें हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, एग हो गए, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये आप खाने लग जाओ। और आप जिम में अगर हो और अगर आप वर्कआउट के बाद में शावर ले रहे हो तो आप शावर लेने से पहले भी कम से कम 15 मिनट नॉर्मल रहें, बैठें, आपकी बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें, उसके बाद में आप लोग आपकी बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल होने। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो मैंने आपको बताई है जो जिम में होती होती, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से मिस्टेक अपने वर्कआउट में कर रहे थे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।